गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक यादव। प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे थे टिशू के बारे में। टिशू के हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया और आपको एपिथेलियल टिशू पढ़ा दिया, नर्वस टिशू तो का भी इंट्रोडक्शन करा दिया थोड़ा सा, उसको फिर से डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिशू के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? मस्कुलर टिशू। नाम से ही मालूम पड़ रहा है बेटा, ये मस्कुलर टिशू क्या है? जो मसल्स को बनाते हैं, वो टिशू जो मसल्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं मस्कुलर टिशू। ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे इनमें। मस्कुलर टिशू कितने टाइप होते हैं बेटा? थ्री टाइप्स के। ठीक है, नंबर वन होता है बेटा स्मूथ मस्कुलर टिशू। ये मैं क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, स्मूथ मस्कुलर टिशू। नंबर टू होता है आपका स्ट्रैटेड मस्कुलर टिशू, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिशू। एंड नंबर थ्री होता है आपका कार्डियक मस्कुलर टिशू। ठीक है, कार्डियक मस्कुलर टिशू। थ्री टाइप के आपके मस्कुलर टिशू हैं। थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ना होगा यहाँ पे। देखिए, स्मूथ और स्टैटेड। स्मूथ को हम अनस्टैटेड भी कहते हैं या अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं, अनस्ट्रेटेड। ठीक है, यहाँ स्टैसन्स का मतलब क्या है? स्टेटेड का मतलब क्या है? दैट स्टैसन्स, स्टेट का मतलब हो गया जिसपे स्टैसन्स पाए जा रहे हो। स्टैसन्स मतलब स्ट्रिप, पट्टियाँ हों जिसपे, बैंड्स हों, है ना, तो उनको हम कहते हैं स्टैटेड। और जिस पर बैंड्स या स्ट्रिप नहीं है, जिसपे स्टैसन्स नहीं है, उनको हम कहते हैं स्मूथ या अनस्टैटेड। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये बेटा कैसे होते हैं। सबसे पहले इनकी खासियत है, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप, इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, और इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। यूनिन्यूक्लियेट होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। और आपको दिख रहा है स्टैसन्स इनके पास है नहीं, किसी तरीके के स्टैसन्स नहीं है। तो यहाँ पर इनमें क्या है? स्मूथ होते हैं, दैट मीन्स इनके स्टैसन्स नहीं होते, यानी कि यहाँ लिखता हूँ दीज आर स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, कैसे हैं ये? दीज आर स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड है। ठीक है, सेकंड थिंग, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसे हैं ये? दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, स्ट्रिप्स आर नॉट प्रेजेंट, इन पर कोई स्ट्रिप नहीं होती है, स्टैसन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? अनस्टैटेड होते हैं। तो कह सकते हैं हम दीज आर अनस्टैटेड। फिर से समझ लीजिए, अनस्टैटेड मतलब स्ट्रिप नहीं होंगे। स्ट्रिप कैसे? स्ट्रिप होती तो कैसे होती? देखो, अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको। स्ट्रिप क्या, जैसे ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप होते हैं और इनमें क्या स्ट्रिप पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, यही बताएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर है स्मूथ अनस्टैटेड टिशू में क्या है? दीज आर स्पिंडल शेप टिशू, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, दीज आर अनस्टैटेड। ठीक है, अनस्टैटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। देन दीज आर अनब्रांच्ड। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इनकी ब्रांचेस नहीं निकलती हैं। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं और ये लूज कनेक्टिव टिशू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब कौन से ये स्मूथ मस्कुलर टिशू कहाँ पर होंगे भैया? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? इंटरनल ऑर्गन या इनवॉलंटरी ऑर्गन, इनवॉलंटरी ऑर्गन में पाए जाते हैं। जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, जैसे आपके
इंटेस्टाइन है, है ना, और किडनीज हैं, वहाँ पर ही होंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन में हेल्प करते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दे आर हेल्प इन फंक्शन है इसका, अक्रेंस देख लीजिए, दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, है ना, एंड दे हेल्प इन इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट कैसा मूवमेंट, जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम अपनी इच्छा से नहीं करा सकते, जैसे आप किसी फूड को स्वेलो कर रहे हैं, इसोफेगस से वो नीचे की तरफ जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो हमारी इच्छा से नहीं होता, या स्टोमक से फूड इंटेस्टाइन में मूवमेंट कर रहा है तो वो हमारी इच्छा से नहीं होता, कैसा होता है, वो ऑटोमेटिक होता है और इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मतलब जो ऐसे जो हमारी विल पावर की कंट्रोल में नहीं है, जिन ऐसे मूवमेंट जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो ये जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट को परफॉर्म करती हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मसल्स की बात करें तो ये स्टैटिक मसल्स कैसी होती बेटा, स्टैटिक मसल्स दैट मीन्स स्टैसन्स पाए जाएंगे इन पर, क्या होंगे, स्टैसन्स, सिलेंड्रिकल होती हैं ये, कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल स्टैसन्स, इस तरीके से ये स्टैसन्स हैं, पट्टियाँ, स्ट्रिप भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, इस तरीके से। और ये कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, कैसे होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझिए बात को, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, ठीक है। अब देखिए एक और बात बता दें कि आपके स्मूथ मसल्स में जो है न्यूक्लियस कहाँ था, सेंट्री प्लेस था, और स्टैटिक मसल्स में न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ प्लेस्ड होगा, किधर होगा, पेरीफेरी की तरफ। तो यहाँ कह सकते हैं हम दीज आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप्ड, ठीक है, और स्टाइटेड ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप कोमा स्टाइटेड, ठीक है, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, और कैसे है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, दी आर, दीज आर अपने आप लगा लीजिए, मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, और कैसे हैं, अनब्रांच्ड, इनमें भी ब्रांच नहीं होती, और कैसे है ये, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे लिम्स पर पाई जाती हैं, फाउंड इन द लिम्स, दीज आर फाउंड इन द लिम्स, ठीक है, लिम्स, ऐसे लिम्स क्या होते हैं आपके, है ना, हाथ और पैर। तो ये क्या है, जो हाथ पैर भाई, तो ये इसमें किसे हेल्प करेंगे, ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, फोर्स प्रोवाइड कराती हैं, दे प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन, है ना, जैसे हम चल पा रहे हैं, या हम, और क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट को मैं हेल्प करती हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो हम, जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे ये हाथ है, इसको मैं इधर कर रहा हूँ तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, मैं इसको पिक करके उठा रहा हूँ तो ये अपनी इच्छा से, अपने मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसको किधर ले जाऊँ, इधर मूवमेंट कराऊँ या इधर मूवमेंट कराऊँ, या मैं इधर जा रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, तो ये किसी कंट्रोल, मेरी कंट्रोल में। तो वॉकिंग में या फिर वॉलंटरी मूवमेंट में ये क्या करती हैं, फोर्स प्रोवाइड कराती है वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो दीज आर फाउंड इन द लिम्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये क्या करेंगे बेटा, हेल्प इन द वॉलंटरी मूवमेंट, है ना, और हैं कैसे ये मसल्स, वॉलंटरी मसल्स हैं, जैसे ये स्पिनल शेप इनवॉलंटरी मसल्स कह सकते हो, वैसे ये कैसे हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, अनब्रांच्ड
वॉलंटरी, यहाँ लिख लो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं दे आर प्रोवाइड फोर्स फॉर लोकोमोशन, ठीक है। ये वॉलंटरी मूवमेंट के द्वारा फोर्स प्रोवाइड कराती हैं किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। ये हमको चार पांच पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ याद रखना आपको। सेकंड थिंग कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल्स क्या है बेटा, कार्डियक मसल्स वो जो हार्ट में पाए जाते हैं, दैट मीन्स दीज आर द हार्ट मसल्स। कैसे मसल्स हैं ये, हार्ट, हार्ट वाली मसल्स को ही हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये क्या है बेटा, हार्ट मसल्स हैं, ठीक है। देन कार्डियक मसल्स बेटा इनमें दोनों टाइप के करेक्टरिस्टिक होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स के भी और स्टैटिक मसल्स के भी। कैसे होते हैं भैया, एक तो ये यूनिनेक्लेट होती हैं, ठीक है। देन इन पे स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, स्टैसेंस पाए जाते हैं। देखिए किस तरीके से, कुछ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब इन पर क्या होगा, स्टैसेंस होंगे, ब्रांच्ड होंगी ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ होंगे, इन पर क्या होंगे बेटा, स्टैसेंस होंगे। स्टैसेंस मतलब स्ट्रिप्स, पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके से ठीक है, देन ये कैसे होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसे होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं ये। कैसे होती है बेटा, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ठीक है। हार्ट मसल्स हैं, स्ट्राइटेड, ऐसे लिख देता हूँ, स्ट्राइटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। स्ट्राइटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। और क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका, स्टैसेंस होते हैं और यूनिक्लेट होते हैं, हार्ट मसल्स कहा जाता है इनको। देन दीज आर ब्रांच्ड, कैसे होते हैं ये, दीज आर ब्रांच्ड, दीज आर ब्रांच्ड। किस तरीके के मूवमेंट करती हैं, इनवॉलंट्री या वॉलंट्री, वॉलंट्री मूवमेंट को शो करती हैं, है ना। यानी कि इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, शो सॉरी इनवॉलंट्री मूवमेंट को शो करती हैं। किसको शो करती हैं, इनवॉलंट्री मूवमेंट को, शो इनवॉलंट्री मूवमेंट, इन वॉलंटरी मूवमेंट को शो करती है, वॉलंटरी को नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देन ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। काम क्या है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं, जिससे क्या करेंगी ये, जो हमारी बॉडी का ब्लड है, ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ये पंप करेंगी, कहाँ, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। क्या करेंगी, ब्लड को पंप करेंगी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, है ना। तो ये क्या करती हैं, फंक्शन क्या है, दे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन रैपिडली, ठीक है, जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। इससे क्या करती हैं ये, दे पंप टू ब्लड, दे पंप ब्लड
टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें क्या करते हैं दे पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये आपकी कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। इनमें कैसे, देखो दो टाइप के बैंड हैं आपके, एक एक डार्क बैंड एक लाइट बैंड, तो ये भी कह सकते हैं आप इनमें एक डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, 11th क्लास में ये पढ़ेंगे आप डार्क बैंड लाइट बैंड क्या होते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में दे रखा है पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप इतना ही पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। ओके ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कनेक्टिव टिशू, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिशू।